दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला। पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत अजौली के भीतर पड़ने वाले गांव अजौली आंगनबाड़ी केंद्र पर गलत तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है, जिसका सभी आवेदिकाओं ने सख्त विरोध किया है। उन्होंने एसडीएम पांवटा साहिब के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को भेजे शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि जिस कार्यकर्ता की नियुक्ति आंगनबाड़ी केंद्र पर की गई है उसका पुश्तैनी घर ग्राम किशनकोट में पड़ता है। उन्होंने बताया कि उसका परिवार पीढ़ियों से किशनकोट ग्राम के मध्य अपने घर में रह रहा है, परंतु गलत तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत अपना फीडर एरिया बदलकर अजौली आंगनबाड़ी केंद्र पर नियुक्ति पाई है, जबकि इस कार्यकर्ता के ग्राम में दो आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उन्होंने मांग की है कि गलत तरीके से की गई इस नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। आज हम एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो नियुक्ति हुई है वो गलत तरीके से की गई है, जो कि उसका फीडर एरिया चेंज कर किया गया है। वो नियुक्ति ऑलरेडी दूसरे गांव की है और सीडीपीओ साहब के द्वारा उनको तवज्जो दी गई है और चेंज करवाया गया उनके द्वारा, और फीडर एरिया उनको पहले ही पता था कि अजौली गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद खाली होने वाला है, और सीडीपीओ साहब ने ऑलरेडी उनको तवज्जो दे के उनका फीडर एरिया चेंज करवाया है और उनको अभी नियुक्ति दिलवाई है। हम इसके लिए विरुद्ध, हम पूरा गांव इसके लिए सहमत नहीं है, और अगर सीडीपीओ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो हम इनके खिलाफ हम आपसे सख्त कार्रवाई की जाएगी, और हम पूरा गांव के साथ इनके विरुद्ध खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर इनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हमारे गांव में अजौली गांव में अभी एक कार्यकर्ता नियुक्त हुई है जो कि दूसरे गांव से है। काफ़ी टाइम से आंगनबाड़ी में रिक्त पद खाली पड़ा हुआ था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, जो कि अजौली गांव की 14 कैंडिडेट थे, सभी ने अप्लाई किया था, लेकिन उसमें दूसरे गांव की किशनकोट की लेडीज पूनम देवी ने अपना फिल्टर एरिया चेंज करवा के उन्होंने चेंज करवाया ताकि और मेरी नौकरी वहाँ पे नौकरी के लिए उन्होंने अपना फीडर एरिया चेंज करवाया और वहाँ पे अपनी नियुक्ति करवा ली। गलत तरीके से करवाई गई और हम सब इसका विरोध करते हैं। अगर इन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला अम्ब लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ISO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5-स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, एलएलबी, बीएएलएलबी, बीसीए, बीबीए, एमबीए, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, जेबीटी, बीएड आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अति आधुनिक लैब व संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के साथ ही संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। SC ST और OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।